दादा जी। दादा भाई हमें इन्हें तुरंत राजमहल लेके जाना होगा। आप सुनिए, आप तुरंत भाग के जाइए और राजमहल से कहिए कि वो तैयार रहे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खो देंगे राणा जी को। देखिए कैसे विष कितनी तेजी से फैल रहा है इनके शरीर में। तो इस बीच जंगल में हम क्या करें विष उतारने के लिए? अगर आप सब लोग हम पे भरोसा करें तो हम बचा सकते हैं राणा जी को। हाँ कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने ठीक उसी स्थान को काटा है जहां पे विषभूषा तीर लगा है, ताकि वहां से विषाक्त रक्त बजाय शरीर में फैलने के शरीर से बाहर निकले। आप इनके शरीर से विषाक्त रक्त निकालते रहिए, तब तक हम इनके उपचार के लिए आवश्यक जड़ी बूटी लेके आते हैं। अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कुंवर शक्ति सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, क्षमा कीजिएगा धीर भाई जी, हम इस राजकुमार को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे भागते रहने से तो अच्छा है कि हम इसे मार दें। अब आप राणा जी को महल ले जा सकते हैं, इनके शरीर में विष का फैलना रुक चुका है। चलिए आप इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। नहीं, हम सबको अमर सिंह जी के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, कोई शक्ति सिंह जी गए हैं उन्हें ले लें, वो उन्हें सुरक्षित ले आएंगे। हमें तो राणा जी को राजमहल वैद जी के पास उपचार के लिए ले जाना होगा। कांति बोली, ये अवश्य उसी की है, ने दाजीराज पर छल से तीर चलाया। काका, हथियार यही आसपास है, रुक स्त्री है, हमने उसे वहां जाते हुए देखा। लेकिन अमर सिंह जी यहां तो कोई नहीं। ताका, वो अवश्य ही आपको देख के भाग गई हो। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो एक स्त्री ही थी? काका, ये देखिए कान की कुंडल, हमें उसके पीछे करते समय ये मिली थी। अमर सिंह जी, आप वीर तो हैं ही, साथ ही बहुत समझदार भी हैं। आइए हमारे साथ। इस कक्ष में रखते हैं कुंवर प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र और उनकी रुचि के ग्रंथ, और इसमें वे मारवाड़ के कलाकारों से क्रय करके लाई हुई मिट्टी की कलाकृतियों और चित्रामों को रखते हैं, है ना? फूल, वो राणा जी ने हमारे विवाह से संबंधित सामान रखा है इसमें, परंतु काफी समय तक रखी थी यहाँ पर आपकी आपकी चित्राम और अजब थे। राणा जी और आपके बीच में जो अगाध प्रेम है, आपको आवश्यकता ही नहीं उसे हमसे छिपाने की, क्योंकि वो नैसर्गिक है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। महारानी सा, महारानी सा, आखिर में राणा जी मूर्छित हो गए हैं, उनके पूरे शरीर में विष फैल गया है। संभालिए अपने आप को, हमें जाना है, हमें राणा जी के पास जाना। राणा जी, राणा जी, क्या हो गया आपको? बताइए ना वैद्य जी, कैसी स्थिति है इनके स्वास्थ्य की? अगर इन्हें कुछ हो गया तो प्राण दे देंगे हम अपने। राणा जी, भूल, राणा जी, क्या हो गया आपको? भूल, संभालिए अपने आपको। महारानी सा, राणा जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। सौभाग्य से हाला जी ने इनका प्राथमिक उपचार कर दिया था, अब चिंता की कोई बात नहीं।
अब तो मुख पे प्रसन्नता के भाव ले आइए झाला जी। आपने राणा जी के प्राणों की रक्षा ही नहीं की है, बल्कि मेवाड़ और समस्त राजपुताने के उज्ज्वल भविष्य को भी बचाया है। किंतु इस समय मेरे पास बहुत बुरा समाचार है चुंडावत जी। ऐसा लगता है कि राणा जी के पीछे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने लगाया है इस हत्यारे को, अन्यथा कोई क्यों मारवाड़ के थार रेगिस्तान से इतनी दूर चलकर इस हत्या के प्रयास के लिए आता। ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? हमने होली पर्व पर मिले उस मृत सांप का वैद्यकीय और रासायनिक निरीक्षण कराया था, जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि होली पर्व पर जिस विष का प्रयोग किया गया था वही विष राणा जी को लगने वाले तीर पर भी लगा हुआ था। अर्थात मारवाड़ से आए यह हत्यारा संभवतः यहीं कहीं दुर्ग में छिपा बैठा होगा। दादा भाई प्रताप की स्थिति कैसी है? राणा जी स्थिति बहुत ठीक है। क्षमा हुकुम खमा घड़ी बाजीराज। काकाशा क्या हुआ? अमर सिंह जी आप इतने ध्यान से किसे देख रहे हैं? काकुसा ये कान के कुंडल उसी दासी की है जो अभी अभी महल में गई है। क्या आप जानते हैं उन्हें? कौन है ये? छोटी माँ की नई दासी है जो अभी अभी मारवाड़ से आई है। अमर सिंह जी आप अपने दाजी राज के पास जाइए। अब आगे की कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें फूर कुंवर भाभी साह से स्वयं कुछ प्रश्न करने होंगे। फूल क्या बात है? बहुत विचलित दिखाई दे रही हैं आप। काकोसा हमें संदेह, हमारी दासियों में से कोई एक दासी राणा जी पे होने वाले प्राणघातक प्रयासों के पीछे। आपकी दासी? किंतु आप तो अपनी सभी दासियों को बचपन से भली भांति जानती। पर दाजी राज ने अभी अभी जो दासी भेजी है उसे कहां ढंग से जानते हैं? क्या कह रही हैं आप? दादा भाई ने दासी भेजी है? हमें तो लगा आपको ये बात पता है। किंतु दादा भाई तो आपके विवाह के पश्चात ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे और अभी तक मारवाड़ वापस नहीं लौटे, फिर वो कैसे किसी दासी को आपके पास भेज सकते हैं? क्या फूल कुंवर भाभी साह, भाभी साह प्रताप, आप कब हमारे बनेंगे? हमने अपना सारा जीवन आपके लिए सोचते सोचते बिता दिया। मतलब काकोसा हमें इस दासी को लेकर बहुत भय लग रहा है। मतलब यदि इस सब के लिए किसी ने हमें ही उत्तरदायी ठहरा दिया तो हम किस किस को क्या क्या स्पष्टीकरण देते फिरेंगे? घबराइए मत फूल, उससे पहले हम उस दासी तक पहुंच जाएंगे और उसे इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर करने से रोक सके जो आपका परिवार हमारे परिवार के विरुद्ध कर रहा है। क्यों चंद्रसेन जी? कहना क्या चाहते हैं शक्ति सिंह जी आप? बस बहुत हो चुका, हो चुका। अब आप अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहेंगे चंद्रसेन जी। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, सब कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं आप। क्या क्या समझ गए आप? यही कि कितनी गहराई से, कितनी सोच समझ कर किया आपने ये सब। पहले दादा भाई प्रताप को इस बात के लिए विवश किया कि वो फूल कुंवर भाभी साह का विवाह के मंडप से अपहरण करे, और उसके लिए सारी परिस्थितियां सोच समझ कर बनाई गई, और फिर
फूल कंवर भाभी साहब उन्हें भावनात्मक रूप से विवश करने के लिए पत्र लिखती हैं, जिसमें ये स्पष्ट करती हैं कि यदि इनका विवाह जबरन से करवाया गया तो ये अपने प्राण त्याग देंगी। योजना स्पष्ट थी, पहले दादा भाई प्रताप से विवाह कर उनका अजब दे भाभी साह के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बर्बाद किया जाए और फिर उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी जाए। वाह चंद्रसेन जी वाह वाह, कितना 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 धन दिया था अकबर ने आपको ये षड्यंत्र रचने के लिए। शक्ति सिंह जी, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं आप हम पर। देवर साहब, चंद्रसेन जी ठीक कह रहे हैं, भूल ऐसा कर ही नहीं सकती। आप बहुत ही भोली हैं भाभी साहब, किंतु सच यही है, इसीलिए तो हत्या के लिए मारवाड़ से विशेष दासी बुलवाई गई है। कौन दासी? कुंवर साहब। हाँ चुंडावत जी, चुंडावत जी, फूल कुंवर भाभी साकी विशेष दासी दासी, और ये रहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण दिखाइए, हम इसकी पुष्टि करते हैं। सच हमेशा ही कड़वा और कुरूप होता है, और इस बार सच ये है कि आप और आपके दादा भाई राम सिंह जी सबके सब मिले हुए हैं, और आप सबने मिलकर मेवाड़ और दादा भाई प्रताप की हत्या का ये षड्यंत्र रचा है। देवर साहब बस कीजिए, बहुत हो गया। कान का कुंटल कहाँ गया? कहीं आप इसे तो नहीं खोज रही? जरा भी नहीं। राणा जी के हत्या के प्रयास के आरोप की न्याय प्रक्रिया मेवाड़ के राज दरबार में होगी। शक्ति सिंह जी, भले ही आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम हमारे दादा भाई को बलिबाती जानते हैं। भले ही मारवाड़ की शांति व्यवस्था के लिए अकबर के संग विवाह संधि को स्वीकार क्यों ना किया हो उन्होंने, परंतु वो देशद्रोही नहीं है जो अपने राजपूत भाइयों के लिए हत्या का षड्यंत्र रचे। उल्टे उन्होंने तो फूल के विवाह के पश्चात अकबर तक को साफ मना कर दिया था मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध लड़ने से। बड़ी बड़ी चालें चलने वाले अक्सर अपनी सबसे बड़ी चाल को बचाने के लिए लोक दिखावन छोटी मोटी चालें हारते भी तो है ना चंद्रसेन जी, और फिर अकबर के साथ रहकर क्या इतने भी कूटनीतिज्ञ नहीं बने होंगे आपके दादा भाई राम सिंह जी? शक्ति सिंह जी, यह भी तो हो सकता है कि मेवाड़ का ही कोई व्यक्ति ये षड्यंत्र रच रहा हो। इतने ठोस सबूतों के सामने अपने मारवाड़ को बचाने का झूठा प्रयास मत कीजिए चंद्रसेन जी। इतने स्पष्ट सबूतों के सामने कम से कम हम तो अपनी आंखें बंद कर नहीं रह सकते। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस ओर हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपके दादा भाई राम सिंह जी ने हमारे दादा भाई प्रताप की हत्या का जो कायरतापूर्ण प्रयास किया है उसके बदले में हम मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। सच कहते हैं सभी लोग कि आप एक पागल उद्दंड सांड है। सांड? हाँ हाँ हाँ, एक पागल उद्दंड सांड है। अब देखिएगा किस तरह ये पागल उद्दंड सांड आपके मारवाड़ पर आक्रमण कर सब कुछ तहस नहस कर देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम, ना ही आपके दादा भाई राम सिंह जी को और ना ही उनके मारवाड़ को। भाई शक्ति शक्ति, आपने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए आप इसी क्षण इनसे क्षमा मांगिए। लेकिन दादा भाई आप नहीं जानते कि आपकी पीठ पीछे यहां क्या कुछ हो चुका है। बस, बस। हमने आपसे कहा कि आपने जो कुछ भी इनसे कहा उसके लिए इनसे क्षमा मांगिए।
ये हमारे लिए भाई समान है और इनका अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते। क्षमा मांगिए क्षमा, और इनसे वाह दादा भाई वाह, इनसे तो शक्ति सिंह कभी क्षमा नहीं मांगेगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज के बाद हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे दादा भाई, बहुत बड़ी भूल। दाजी राज के जाने के बाद हमने सोच लिया था कि ये घर फिर से हमारा हो गया है, यहाँ के लोग हमारा परिवार हो गया है, लेकिन नहीं, गलत थे हम, क्योंकि आप भी दाजी राज की तरह ही हैं, वही हट ही हट, वही अहंकार। शक्ति सिंह बस कीजिए, आपके भाई है ये, क्या कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं राणा जी, इस बार हमें वापस बुलाने का प्रयास मत कीजिएगा। देवर साहब, देवर साहब सुनिए, देवर साहब हमारी बात सुनिए, देवर साहब। राणा जी रोकिए, उन्हें भी जा रहे हैं। आ जाते हैं, उन्हें जाने दे आप, वे अभी क्रोधित हैं, जैसे ही क्रोध ठंडा हो जाएगा स्वयं लौटाएंगे यहाँ। राणा जी, किंतु हमें उस दासी का पता लगाना होगा, किसका मोहरा बनकर आई है वो? स्वयं अपने मुख से उसका नाम बताएगी। हमने और चुंडावत जी ने उस दासी को पकड़ लिया, उस दासी ने अपना अपराध भी स्वीकार किया। राणा जी, जैसे ही आपका स्वास्थ्य अनुमति देगा, न्याय प्रक्रिया हेतु उसे दरबार में उपस्थित कर दिया जाएगा। आचार्य जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप बस कार्य अविलंब कीजिए, शीघ्र ही न्याय दरबार बुलाइए। ये खौफनाक नजारा देख रहे हो हाकिम खान, पर इस सब के बावजूद आज भी जो तोप से तुम्हारा निशाने लगाने का बेमिसाल हुनर है, उसके मुरीद हैं हम। आ जाओ हमारे साथ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे सब मरे। तो मार देना मुझे भी, तू डर दिखाता है हमें तू मौत का। अरे अफगान है हम, मौत से डरना कभी हमने सीखा ही नहीं, चाहे जितना खौफ दे दे हमें मौत का, प्रताप के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएगा ये हाकिम खान। और ये बात तू याद रखना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है हमारा, हम दुश्मन को भी आसानी से मौत नहीं देते, तुम्हारी जिंदगी हम ऐसा हिजाब बना देंगे कि भीख मांगोगे तुम हमसे अपनी मौत की। ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी के मार्ग पर पहली बड़ी विजय पर हार्दिक बधाई शहंशाह। अब हमें इस बात का डर नहीं रहेगा कि प्रताप से युद्ध के समय कहीं अफगान मेवाड़ का साथ ना दे दे। पर हम ये भी चाहते हैं कि जंगे हल्दी घाटी में प्रताप को ऐसी बेरहम मौत मिले कि फिर कोई जुर्रत ना कर सके हमारे सामने अपना सर उठाने की। और इसके अलावा हमें एक और शख्स भी चाहिए। कौन? शहंशाह फैज, गखर कबीले का सरदार। फैजल, वो नरभक्षी। हाँ हाँ, वही चाहिए, वही चाहिए। इस दुष्ट को तो हर मूल्यों पे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसने राणा जी के प्राण लेने का प्रयास किया और हमारे मारवाड को भी अपमानित कर डाला। सावधान, मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिंह दरबार में पधार रहे हैं।
हम सीधे मूल विषय पे आते हैं कि आपको यहां किसने भेजा। कुछ भी कहने से पहले आप इस बात को भली भांति जान लें यह अवसर सर आपका अंतिम अवसर है। और यदि आप चुप रहे तो न्याय प्रक्रिया का लाभ भी नहीं मिलेगा। किससे भेजा आपको? प्रताप की हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व रहता रहा है। मैं बताती हूँ आपको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.